दोस्तों ये बॉलीवुड हीरो मिथुन चक्रवर्ती जी का घर। मिथुन चक्रवर्ती जो ना अपनी फैमिली साथ में इसी घर में रहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती जो ना इसी घर में 38 कुत्तों के साथ में रहते हैं। यह घर जो ना मुंबई के मद आइलैंड में यह घर स्थित है। और देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान, मेन गेट यही है। और यहाँ पे एक बस स्टैंड है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है भाठी गाँव। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस जब भी किसी ने ऐसा है कि हम आ गए मुंबई के मद आइलैंड में। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बॉलीवुड हीरो मिथुन चक्रवर्ती जी का घर। अभी हम आपको बता दें गाइस ठीक उन्हीं के घर के सामने भी हम खड़े हुए हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो ना हम आपको मिथुन चक्रवर्ती जी के बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं, उनका नेटवर्थ कितना है और यहाँ का जो एड्रेस है ना पूरा हम आपको अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो गाइस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड हीरो मिथुन चक्रवर्ती जी का घर। तो चले गए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अभी इसी रोड से भी हम जस्ट आए हुए हैं और फाइनली गाइज अभी हम आ चुके हैं बॉलीवुड हीरो मिथुन चक्रवर्ती जी के घर पे। और उनके घर के सामने का गाइज नज़ारा है, देख सकते हैं ये वही घर है जहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पे रहते हैं। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको ना मेन गेट की तरफ भी लेके चलूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक तालाब है, श्री हीरा देवी माता गांव देवी तालाब, ये तालाब है जस्ट उनके घर के सामने। और यहाँ पे देख सकते हैं मिथुन दा यहीं पे वो रहते अपनी फैमिली साथ में। अभी मैं आपको मेन गेट की तरफ भी लेके चलूंगा। और यहाँ लिखा हुआ है भाटी कोलीवाड़ा। और फाइनली भी हम आए हुए हैं गाइस मिथुन चक्रवर्ती जी के घर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। दोस्तों हम आपको बता दे ना मिथुन चक्रवर्ती जो ना यहाँ पे अपने 38 कुत्तों के साथ में वह रहते हैं। और यहाँ देखते मेन गेट की तरफ भी हम आ चुके हैं और ये मेन गेट यही है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। इसी गेट से जो ना मिथुन दा अपने घर से बाहर निकलते हैं और जाते भी हैं। और मेन गेट यही है गाइस जो मैं आपको जूम करके अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बस स्टैंड भी बना हुआ है जो कि बस स्टैंड का नाम है भाटी गांव। दोस्तों मैं आपको बता दें मिथुन दा का घर जो ना मुंबई के मद आइलैंड में घर स्थित है। यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो तो हम आपको बता दें ना सबसे आपको मलाड स्टेशन आना पड़ेगा। वहाँ से जो ना आपको 271 बस आपको पकड़ के सीधा यहाँ पे आने के लिए आपको भाटी गाँव के लिए आना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते गाइस एक तालाब है बना हुआ है, श्री हीरा देवी माता गाँव देवी तालाब, और उनके घर के सामने ये तालाब है। और यहाँ पर सेकेंड गेट की तरफ लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान, देख सकते हैं गाइस। दोस्तों मैं आपको बता देना मिथुन दा जो ना 38 कुत्तों के साथ में इसी घर में वो रहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बस स्टैंड बना हुआ है भाटी गांव, देख सकते हैं जूम करके अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ। मिथुन चक्रवर्ती जो ना ऊटी में भी उनका बंगला है, वहाँ पर जो ना वो 76 कुत्तों के साथ में वो रहते हैं। और मैं आपको बता देना यहाँ पे वो 38 कुत्ते रखे हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जो ना अपनी फैमिली के साथ अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ इसी घर में वह रहते हैं। और इनके पास कई होटल हैं और बंगले भी हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी है। और गाइस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है मिथुन चक्रवर्ती जी का घर। दोस्तों हम आपको बता दें कि मद आइलैंड में इतना बड़ा बंगला होना आम बात नहीं है। इस बंगले की प्राइस 50 करोड़ रुपए है। और इतना ही नहीं, मिथुन दा अलग अलग जगहों पर बंगले हैं, मुंबई के बांद्रा में भी है और ऊटी में भी है। इनके कई सारे होटल भी हैं। मिथुन दा यहाँ पर अपने 38 कुत्तों के साथ रहते हैं। अपने कुत्तों को एसी वाले रूम में रखते हैं और रात को जो ना खोल देते हैं और वो चारों तरफ इस बंगले की रखवाली करते हैं। और वो भी जो ना अलग अलग वैरायटी के इन कुत्तों को रखते हैं। और जो ऊटी वाला बंगला है ना वहाँ पर 76 कुत्तों को रखे हुए हैं। दोस्तों हम आपको बता देना मिथुन दा अपनी फैमिली के साथ इसी बंगले में वह रहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है, देख सकते हैं थोड़ा मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। सेकेंड गेट ये है और देख सकते हैं गाइस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है मिथुन चक्रवर्ती जी का घर जो कि मुंबई के मद आइलैंड में यह घर स्थित है। बॉलीवुड के पहले डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती का वास्तविक नाम गौरव चक्रवर्ती है और इनके फैंस इन्हें प्यार से मिथुन दा और दादा कहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने एक्शन जूडो कराटे को भी हिंदी फिल्मों में लेकर आए। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता से ग्रेजुएट BSSC होकर पूरे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की डिग्री ली। शुरुआती के लिए कुछ सालों में ही मिथुन चक्रवर्ती फाइट सीन और डांस सीन के लिए लोगों में बहुत ही पहचाने जाने लगे। दोस्तों अगर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मी करियर की अगर बात करें ना तो मैं आपको बता दें साल 1976 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशक फिल्म मिर्ग्या से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ।
अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों मसलन दो अनजाने साल 1976 तथा फूल खिले गुलशन गुलशन साल 1977 में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इससे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। बाद में उन्होंने साल 1970 के दशक की आखिरी दौर में कम बजट वाली रविकांत नगाइज के निर्देशक में बनी जासूसी फिल्म साल 1969 और 1980 के शुरुआती दशक की हिट फिल्मों में हम पांच 1980 और वारदात 1981 जो कि सुरक्षा फिल्म की अगली कड़ी थी में प्रमुख भूमिका अदा की। दोस्तों मैं आपको बता दें, डिस्को डांसर के नाम मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती एक्टिंग के साथ साथ जो ना बड़े बिजनेसमैन भी हैं। और हम आपको बता दें, मिथुन भले ही आजकल फिल्मों में नजर नहीं आ रहे लेकिन देश के अमीर एक्टरों में से जो ना उनका नाम आता है। मिथुन चक्रवर्ती का कारोबार करीब 250 करोड़ रुपए है। वो मनोमार्क ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। उनके कई शहरों में बड़े होटल्स भी हैं। मिथुन चक्रवर्ती का ऊटी में एक 5-स्टार होटल है। इसके अलावा मैसूर और साउथ के कई शहरों में उनके आलिशान होटल हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, मिथुन चक्रवर्ती जो ना अपनी फैमिली साथ में इसी घर में वो रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, कुत्तों से सावधान, मिथुन चक्रवर्ती जो ना अपनी फैमिली साथ में इसी घर में वो रहते हैं। सो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर अगर आप हमारे नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी गाइस प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें ना सबसे पहले एक पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सो गाइस आज के लिए ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।